नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जिले भर में हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन, महिलाओं के अधिकार और उत्थान पर हुई चर्चा। तिलकामांझी स्थित 13 दुकानों पर चला नगर निगम का बुलडोजर, स्मार्ट सिटी फंड से हाईटेक बनेगा तिलकामांझी चौराहा। विशेष परीक्षा लेने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय में काटा बवाल, कर्मचारियों और अधिकारियों से हुई झड़प। भागलपुर में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव, व्यवसायियों में दिखा उत्साह। और पुलिस लाइन में महिला सिपाहियों को मिली सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, मिशन सशक्त कार्यक्रम के तहत SSP ने की शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू नाथालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संजय कुमार झा, ईशान सिन्हा, कुमारी अनुश्री, विनोद कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रानी ठाकुर, ममता कुमारी सहित काफी संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के द्वारा महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जो कि बहुत ही प्रोत्साहित किया गया महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। जिस तरह के हमारे देश में महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं, उनको प्रोत्साहन देते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। आज इस अवसर पे मुझे भी सम्मानित किया गया। भागलपुर SM कॉलेज में महिला दिवस को लेकर इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से फ्री चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें दंत रोग विशेषज्ञों के द्वारा छात्राओं को अपने दांत के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही फ्री चेकअप कर दवाई दी गई। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कहा कि महिला दिवस को लेकर प्रत्येक वर्ष महिलाओं को उसके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाता है। इस मौके पर IDA के विशेषज्ञ, चिकित्सक, शिक्षक एवं छात्राएं मौजूद थे। आज ये सर्वविदित है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये काफ़ी गौरव की बात है कि अब ध्यान गया है पूरे विश्व को महिलाओं के कारनामे के बारे में। महिलाएँ प्राचीन काल से ही पूजनीय रही हैं, जैसा कि मेरे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ भी नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन ये कुछ क्षण के लिए विभिन्न जगहों, विभिन्न राष्ट्रों में लोग भूल चुके थे। एक्चुअली ये पाश्चात्य देशों ने ही इसे प्रारंभ किया, हमारे यहाँ तो बराबर से महिलाओं की पूजा होती ही रही है, फिर भी देर से ही सही, लेकिन पाश्चात्य देशों ने भी महिला के महत्व को समझा और अब हर साल 8 मार्च को महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नागरिक विकास समिति के द्वारा अंगार कॉम्प्लेक्स में नारी सशक्तिकरण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर सरोज सिन्हा और मंच संचालन डॉक्टर नीलिमा राजहंस ने किया, जबकि नागरिक विकास समिति के सलाहकार रमन कर्ण ने स्वागत भाषण दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को जागरूक करके ही शिक्षा, कानून एवं समाज में बदलाव लाया जा सकता है। संगोष्ठी में रेखा, सुमन, कृष्णासा सहित दर्जनों महिलाएं शामिल हुईं। महिला सशक्तिकरण को लेकर रॉयल क्लब की ओर से रविवार को वुमेन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन रॉक एंड रोल किड्स प्ले स्कूल के समीप किया जाएगा। इसको लेकर कई तरह की तैयारियां की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए गेम, डांस, गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम की संयोजक अमिता कौशिक ने कहा कि पूर्व में भी महिला दिवस को लेकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकलकर पुरुषों की तरह खुलकर जीवन जीने की जरूरत है। अनीता अनवर ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक मंच पर लाकर मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना है। जानते हैं कि पूरे विश्व में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 10 मार्च को एक महिला कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो कि ये रॉयल्स क्लब के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें महिलाएं अपने घर से बाहर आएं और अपनी जिंदगी जिएं, क्योंकि आम महिलाएं अपने घर को ही अपनी जिंदगी मान बैठती है, लेकिन नहीं, अपने लिए भी कुछ वक्त निकालिए और अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। ये पूनम पांडे जी हर साल करवाती हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं
और ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया क्या है, जो महिला घर से नहीं निकल सकती हैं, जिनको मालूम नहीं है, ज़्यादातर औरत घर में ही टाइम देना चाहती हैं, तो उन लोगों को, उन महिलाओं को प्रोग्राम में दिखाना चाहते हैं क्या लोग कैसे मस्ती करती हैं महिलाएं, इसीलिए उनको घर से निकाल के दिखाना चाहते हैं ताकि वो लोग भी इस लाइन में आए और अपने आप को ये नहीं सोचे कि मैं पुरुष पे ही निर्भर हूँ, और उनकी भी अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है जो वो जी सकती हैं। 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद आधी आबादी की उपलब्धियों को मनाना होता है, जिससे दूसरी महिलाओं को इससे प्रेरणा मिले। वहीं इसका एक मुख्य उद्देश्य जेंडर गैप को दूर करना भी है। महिला दिवस के दिन रैली, बैठक, परिचर्चा और चैरिटी के साथ महिलाओं को लेकर कई तरह के आयोजन होते हैं, बावजूद इसके उपेक्षित नतीजे सामने नहीं आए हैं। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को महिला दिवस की जानकारी तक नहीं है। आखिर क्या है महिला दिवस की हकीकत, देखिए सिल्क टीवी संवाददाता सैयद इनामुद्दीन की इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और महिला उत्थान और अधिकार की लंबी चौड़ी बातें भी कही जाती है। महिलाओं को सम्मानित भी किया जाता है, लेकिन यह सब सिर्फ दिखावे के लिए। अब हम आपको महिला दिवस पर कुछ ऐसे वीडियो दिखाते हैं जो इन दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। घर परिवार चलाने के लिए खेत में भोजन की तलाश कर रही महिला कविता देवी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। कैसा मैंने भी हमारा सुख छे बहन करे तो देवा के में नहीं भाव में कमाए छी खाए छी। क्या क्या सरकार से क्या उम्मीद है? कोई कुछ नहीं, मोदी सरकार से कुछ नहीं। महिला दिवस की हकीकत जानने के लिए सिल्क टीवी की टीम जब भागलपुर के दिलदारपुर बिंद टोली दियारा पहुंची तो वहां महिलाएं चचरी से बनी पुलिया से परेशान दिखी। महिलाओं से जब पूछा गया कि आज कौन सा दिवस है तो उन्हें मालूम नहीं था। वहीं एक तरफ सरकार महिलाओं के लिए कन्या उत्थान योजना से लेकर महिला समृद्धि योजना तक चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का क्या फायदा जब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को महिला अधिकार की जानकारी नहीं है? हमको मालूम नहीं है कि कौन दिवस है आज, लेकिन क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि पुल बड़ा बन जाए तो बड़ा अच्छा, बहुत दिक्कत हो रहा है, पुल बन जाएगा तो बड़ी अच्छा रहेगा। कौन पुल बन जाएगा? हम लोग का मांग है कि अथी वाला पुल बन जाए कि हम लोग के जाते आते में दिक्कत ना होगा। चचरी देता है, चचरी टूट फाट जाता, बहुत डर लगता है चढ़ने उतरने में, हम लोग पक्की पुल खोज रहे हैं। देश की महिलाओं को लेकर बनाई गई योजना कितनी कारगर है आपने देख लिया। अब सवाल लाजमी है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की जो योजना चल रही है क्या वह सिर्फ शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है या फिर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? अगर सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँच रही है तो फिर महिलाओं को महिला दिवस की जानकारी क्यों नहीं है? कैमरा पर्सन सुबोध के साथ सैयद इनामुद्दीन की रिपोर्ट, सिल्क टीवी, भागलपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। एनएसएस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर दीपू महतो ने विभिन्न कॉलेजों से आए छात्राओं को महिला अधिकार की जानकारी दी और कई छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं संगोष्ठी में सीनेट हॉल में छात्राओं की उपस्थिति काफ़ी कम दिखी। एक ओर जहां महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर इतनी कम संख्या में छात्राओं की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं अब भी अपने अधिकार के प्रति काफ़ी उदासीन हैं। इसका एक उदाहरण तब दिखा जब राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित छात्राओं को मंच पर बुलाया गया तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस बार महिला दिवस का थीम क्या है और इसका महत्व क्या है। महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, सबसे बड़ा उद्देश्य इससे इंक्लूडेड जो है महिला सशक्तिकरण, मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट। महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम सभी महिलाओं, सभी लड़कियों के अंदर एक बहुत ही सुंदर शक्ति है जो कि जागृत नहीं हो पाता है, जो कि किसी तरह छुपा रहता है, क्योंकि समाज में हमारा जो है ना, हमें दबा के रखा जाता है। वहीं बांका कटोरिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर कटोरिया पंचायत भवन परिसर में जीविका द्वारा एक दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला ग्राम संगठन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही बेहतर कार्य करने के लिए महिला ग्राम संगठन को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर जीविका से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे।
तिलका मांझी चौक स्थित नगर निगम की जमीन पर बनी दुकानों पर शुक्रवार को निगम का बुलडोजर चला। इस दौरान 13 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीना और जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने हुई। तोड़े गए दुकानों के मलबे को तुरंत हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीना ने कहा कि यातायात और जाम की समस्या को लेकर निगम की जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि दुकानों के कारण सड़क काफी संकीर्ण हो गया था, जिसमें अस्पताल की ओर जाने वाले एम्बुलेंस भी फंस जाते थे। ये नगर निगम की संपत्ति है, नगर निगम की दुकानें, 14 दुकानें यहाँ पर हैं। चूंकि यहाँ पर यातायात की समस्या बनी रहती है, लगातार जाम की समस्या बनी रहती है, और उसके पीछे आप देखते हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, तो लोग जाते हैं, एम्बुलेंसेज भी कहीं अमल आधा आधा घंटे तक यहाँ फंस जाती है। तो एक निर्णय लिया गया प्रशासन के स्तर से और सामान्य समिति में और सशक्त स्थायी समिति में, बोर्ड नगर निगम में भी, कि क्यों ना इसको डेमोलिश करा के और इसको समतलीकरण करा दिया जाए ताकि आवागमन की सुविधा हो। तो नगर निगम अपनी संपत्ति को वापस अपने रिकैप्चर करके इसको डेमोलिश करके यहाँ रोड बनाएगा। इसके लिए लोगों को कहा है, दुकानदारों को कहा, मतलब हम नवंबर से इनको सुना रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, किसी को मुआवजा भी दिया और बोला कि आप खाली कर दीजिए। तो लोगों को पहले था थोड़ी हिचकिचाहट थी खाली करने में, लेकिन सब मान गए, सब खाली कर रहे हैं। अभी फिलहाल यहीं पर है और अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम का बड़ा खड़ा रुख है। जहाँ जहाँ पर हम विशाल मेगा मार्ट में जो बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन वालों ने जो बिल्डिंग कराई है, उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई की थी, हालांकि हाईकोर्ट से स्टे लिया है। तो जहाँ जहाँ पर भी शहर में अवैध निर्माण है, उस पर भी इस तरह की कार्रवाई लगातार हम लोग करते रहे। वहीं सिटी DSP राजवंश सिंह ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। मुख्य रूप से जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया है दूसरी जगहों से, और हर दुकान पर महिला पुलिस और अधिकारी दिए गए हैं मजिस्ट्रेट के साथ। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत छात्र संगठन आईसा और AISF ने शुक्रवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। छात्रों ने सत्र 2012 से लेकर 15 तक की विशेष परीक्षा आयोजित करने की मांग की। दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर धरना दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की झड़प हो गई। इसके बाद कर्मचारी हाथ में ईंट लेकर छात्रों से उलझ गए। करीब एक घंटे तक कर्मचारी छात्र नेताओं के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं हंगामा बढ़ता देख दंगा नियंत्रण वाहन के साथ पुलिस पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। आयसा और AISF के छात्र नेता ने छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु रावत पर भी कई सवाल खड़े किए। तो हम लोग ये 8 मार्च का जो है कैंसिल करेंगे, लेकिन जो है 7 मार्च तक में किसी तरह का आश्वासन भी नहीं मिला और ना ही जो है यहाँ का जो है जो जीता हुआ जो छात्र प्रतिनिधि जो है वो भी बात करने के लिए नहीं आया। किसी ने पहल नहीं की, कुलपति प्रशासन के तरफ से भी नहीं हुआ, राजभवन के तरफ से भी नहीं हुआ। आज के बाद हम लोग जो है इस कार्रवाई को जो है राजस्तरीय पर भी ले जाएंगे, वहाँ पर जो है राजभवन को भी इस बात को लिखेंगे। आज हम लोगों की मांग है 2011 से लेके 15 तक का स्पेशल एग्जाम लिया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन एग्जाम लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग स्पेशल एग्जाम का मांग कर रहे हैं कि 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट है स्पेशल एग्जाम को लेके, जो कि उसका करियर दाव पे लगा हुआ है, ना किसी फॉर्म भर पा रहा है ग्रेजुएशन लेवल का, ना कोई आगे की पढ़ाई चालू कर पा रहा है। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव शुक्रवार को आनंद चिकित्सालय रोड स्थित चैम्बर के नवनिर्मित भवन में शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया। सत्र 2019-22 के लिए हुए चुनाव में 43 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 24 प्रत्याशियों का मतदान के आधार पर चयन होगा। मतदान को लेकर चुनाव समिति की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। मतदान के लिए 21 बूथ बनाए गए, जिसमें 20 बूथ पहली मंजिल पर और वृद्धों एवं असहायों के लिए एक बूथ ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया। चैम्बर में कुल मतदाताओं की संख्या 1061 है, जिसमें बढ़ चढ़कर मतदान करते हुए 900 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भागलपुर शहर समेत नौगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज, शाहकुंड समेत पूर्वी बिहार चैम्बर के मतदाताओं की भीड़ सुबह से ही मतदान केंद्र पर जुटी रही। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी हरिप्रसाद शर्मा, अशोक जीवराजिका, सुनील जैन, गिरधारी जोशी, शैलेंद्र मंडल एवं गिरधारी केजरीवाल की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष शैलेंद्र सर्राफ एवं निवर्तमान महासचिव अशोक भिवानी वाला गुट के बीच कड़ी टक्कर रही। मतदान को लेकर पूरी गोपनीयता बरती गई और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को मतदाताओं ने मतदान किया। मतदाताओं के
सत्यापन के लिए कई स्टॉल बनाए गए जहां पूरी जांच कर मतदान के लिए अनुमति दी गई। इस अवसर पर मतदान केंद्र के अंदर और बाहर व्यवसायियों की भीड़ उमड़ी रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस मिशन सशक्त कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल के लिए आत्मरक्षार्थ की ट्रेनिंग का शुभारंभ किया गया। SSP आशीष भारती के नेतृत्व में शुक्रवार को पुलिस केंद्र में 500 महिला सिपाहियों को कराटे और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ट्रेनरों द्वारा दी गई। SSP आशीष भारती ने कहा कि शहर की लड़कियां एवं महिलाएं भी अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना चाहे तो पुलिस की ओर से उनको आत्मरक्षार्थ की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऐसा महसूस किया जा रहा था कि जब तक सभी महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक पूर्ण रूप से सुरक्षा संभव नहीं है। इसकी पहली कड़ी में जो महिला प्रशिक्षु सिपाही हमारे पुलिस केंद्र में जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हैं तथा महिला सिपाही जो भागलपुर पुलिस में है उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अन्य लोगों की सुरक्षा कर सकें और अपनी भी सुरक्षा कर सकें। अन्य लोगों में कौन कौन? अन्य लोगों में जो भी आम जनता है, खास करके महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनकी सुरक्षा कर सके, क्योंकि जब वो डिप्लॉय होंगे ड्यूटी पे या अदरवाइज भी तो दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उन पे होगी। तो पहले खुद से सेल्फ डिफेंस सीखेंगी, अपनी सुरक्षा करेंगी और अन्य लोगों की सुरक्षा करेंगी। साथ ही साथ जब हमारे महिला पुलिस और महिला प्रशिक्षु ट्रेंड हो जाएंगी तो अन्य जो भागलपुर की महिलाएं एवं बहनें हैं उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रारंभ कराएंगे किसी कॉमन प्लेस पे जैसे सैंडिस कंपाउंड या फिर जो बड़े बड़े महिला स्कूल या कॉलेजेस हैं वहां पे जा करके उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। कुख्यात अपराधी टिंकुमिया इम्तियाज और इजहार के हुसैनाबाद स्थित मुगलपुरा में कई ठिकानों पर शुक्रवार को SSP आशीष भारती ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान हालांकि किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लोकसभा चुनाव को लेकर DGP के निर्देश पर फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। छापेमारी में CT SP सुशांत कुमार सरोज, DSP राजवंश सिंह सहित कई थानों की पुलिस मौजूद थी। लोकसभा चुनाव को लेकर बांका SP स्वप्नाजी मेश्राम के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जयपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पल्लिया गांव में छापेमारी कर 130 बोतल विदेशी शराब के साथ 6 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक इंडिका कार, एक स्कॉर्पियो, एक बाइक और 5 मोबाइल को जब्त किया है। ASP मदन कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पकड़े गए सभी शराब कारोबारी देवघर के मोहनपुर और झसीडी के रहने वाले हैं। कारोबारी तो अभी 6 हम लोग को हाथ आए हैं, 2 निकल गया, भाग गया अंधेरा में, और लाइनर भी उसमें से कुछ पकड़ाए हैं, कुछ जो है ये सब बड़ा सिंडिकेट है। टोटल जो है सब झारखंड से दारू ला करके बिहार में बांका जिला में कहीं कहीं बेचता है। बेचने वाले का भी नाम, जहाँ ये लोग बेचता माल जहाँ जा रहा था उन लोग का नाम भी स्पष्ट है, उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। चलाए गए वाहनों का चेकिंग में, वाहनों के चेकिंग में पहले एक गाड़ी पकड़ाया, फिर दूसरी गाड़ी पकड़ाया, और पलनिया है अपना जयपुर थाना में, उसमें 130 बोतल जो है 375 ml का वो रॉयल स्टैग दारू है, विदेशी शराब है जो कि हरियाणा मेड दारू है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। SRM Homes आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरेली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी जहाँ खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहाँ मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM Homes प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। JTC मॉल, ए कंप्लीट फैमिली शॉपिंग डेस्टिनेशन। नाउ एवरीवन कैन बाय फुटवेयर, किड्स वेयर की आकर्षक रेंज के साथ कॉस्मेटिक्स की बहार। कहीं बाहर जाने की अब जरूरत कहाँ, जब JTC मॉल है यहाँ। महिलाओं की पसंद साड़ियाँ और सूट की अनेकों वेराइटियाँ,
मेंस वियर की बात ही क्या, ब्रांड्स जो आपने सुना होगा मिलेगा यहाँ। सुपर ड्राई, ज़ारा मैन, लिवाइज, रेंगलर, जैक एंड जॉन्स, यूएस पोलो, यूगो बॉस, गुच्ची, अरमानी, सीके, एक से बढ़कर एक क्वालिटी में। नाउ एवरीवन कैन बाय, पर कहाँ, तो चले आइए यहाँ जेटीसी मॉल, केएनसी मार्केट, सूरज नगर की द्वार, अपोजिट बुद्धा एकेडमी। जेटीसी मॉल आपको देता है महानगरों की सुविधाएं, कम कीमत में आकर्षक और ब्रांडेड कपड़े आपके जरूरत की हर सामान के साथ। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं एमईटी पूर्णिया के डायरेक्टर ए इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी इंजीनियर राशिद इकबाल के मार्गदर्शन पर चलने वाला यह स्कूल एक को एजुकेशनल CBSE इंग्लिश स्कूल है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारी सुविधाएं, हाईली क्वालिफाइड एवं एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, बस फैसिलिटी, आरओ वाटर्स, सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स एवं गेम्स की सुविधा, उर्दू एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई की विशेष सुविधा भी यहां उपलब्ध है। समय समय पर क्विज कंपटीशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहां किया जाता है। हमारी विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं, एक पिता के दो बच्चों के एडमिशन के बाद तीसरे बच्चे के एडमिशन पर पूरी ट्यूशन फी माफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों के नामांकन पर 50% तक की छूट, BPL कार्ड धारी गरीब परिवार के बच्चों के लिए विशेष छूट, दो गर्ल चाइल्ड के एडमिशन पर दोनों के ट्यूशन फी में 25% की छूट, नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। हमारा पता है मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जगलाल हाई स्कूल के सामने, रकाबगंज, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। सत्र नियमित करने और डिजिटल तरीके से छात्र छात्राओं की समस्या दूर करने के सपने देख रहा TMBU पिछले कई दिनों से आंदोलन की चपेट में है। यहां आए दिन छात्र छात्राएं और छात्र संगठन किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा करते रहते हैं। इसी हंगामे से बचने के लिए 1 मार्च से विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा में रिटायर्ड आर्मी के जवानों को लगा दिया है, फिर भी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शुक्रवार को अधिकारी कर्मचारी और जरूरी कार्य से आए छात्र परेशान दिखे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, CCDC प्रोफेसर KM सिंह, कॉलेज इंस्पेक्टर ऑफ साइंस प्रोफेसर सरोज कुमार समेत कई अधिकारी दिन भर प्रशासनिक भवन के अंदर और बाहर गेट खुलने का इंतजार करते दिखे। जब गार्ड ने गेट खोलना चाहा तो आंदोलन कर रहे छात्र उग्र हो गए और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद आवश्यक कार्य से विश्वविद्यालय आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। पीरपैती इसीपुर श्रीनगर गांव में 7वीं के छात्र नंद किशोर उर्फ गोलू कुमार की हत्या कर अपराधियों ने इसके शव को घर से दूर फेंक दिया, जिसके बाद परिजनों ने इसकी काफी खोजबीन की लेकिन गोलू का कुछ पता नहीं चल पाया। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भागलपुर ASP विनीत कुमार कई थानों की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी शिवम पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वार्ड संख्या 32 में सड़क का शिलान्यास नगर विधायक अजीत शर्मा ने किया। विधायक ने 7.5 लाख की राशि से बनने वाले PCC सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर वार्ड पार्षद प्रशंजीत उर्फ हंसल सिंह सहित वार्ड की जनता मौजूद थी। पार्षद हंसल सिंह ने कहा कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा, जिससे वार्ड के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला प्रखंड में इस बार धान की फसल नहीं होने से किसान काफी मायूस हैं। किसानों ने सरकार से क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि फसल बुआई के लिए बैंक से लोन लिया गया था, लेकिन फसल नहीं होने के कारण बैंक राशि वसूली के लिए दबाव बना रहा है। कई किसानों को ऋण चुकाने के लिए बैंकों की ओर से नोटिस मिला है। सकरामा पंचायत के मुखिया अनुज कुमार झा ने कहा कि बैंकों के रवैया से किसान काफी भयभीत हैं और आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। वहीं यूको बैंक के प्रबंधक विकास कुमार श्रीवास्तव ने किसानों को लोक शिकायत निवारण शिविर में आकर समझौता करने की बात कही। क्या है कि हमारे पंचायत में जो है बहुत किसान लिया है। हाँ। वो जो है वो बैंक वाला जो है
लोना सोना करने के लिए ढोल बजाता है और ट्रेपा फार कर दिया है। अच्छा, तो आप लोग सक्षम नहीं देने के? नहीं देने के लिए सुखाड़ घोषित है, मेरा प्रखंड सुखाड़ घोषित है। आज सवेरे हमारे घर पे कम से कम 100 किसान पहुंचे थे, जिसमें एक किसान जामुन साह जो है आज 4 साल पहले मृत्यु उनका हो चुका है, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। सबसे दुख की बात है मरा हुआ व्यक्ति पे एफआईआर हुआ, मैनेजर साहब का सारा सारी इस जगह गलती है, उस परिवार को प्रताड़ित करता है। उसका लड़का भी केसीसी लिया था, कल हम बैंक गए थे। कौन सा बैंक से? यूको बैंक सनोला। 9 मार्च 2019 को यूको बैंक के द्वारा 4 जगह बांका, भागलपुर, नौगछिया, भागलपुर, बांका, नौगछिया और कहलगांव सेंटर पे लोक अदालत लगाया जा रहा है। जो भी कृषक अगर पुराने लोन जिनका रिपेमेंट नहीं हो पाया है, जो नहीं चुका पाए हैं, एक मुश्त पूरा पैसा देकर लोक अदालत में पूरा कंप्रोमाइज कर सकते हैं और अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का आवेदन जमा करने को लेकर रजौन आरटीपीएस काउंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही आवेदन जमा करने के लिए लाभुक अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस दौरान एक काउंटर रहने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभुकों के खाते में 400 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना के द्वारा सदर अस्पताल परिसर में गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष सारिका खेतरीवाल, डॉक्टर शीतल गुप्ता एवं सचिव निधि सेठ के अलावा कई महिलाओं ने गर्भवती महिलाओं को स्वच्छता एवं नवजात शिशु की सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान गरीबों एवं महिलाओं के बीच फल एवं बिस्किट का वितरण किया गया। डॉक्टर शीतल ने सबों को स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस मौके पर मोनिका बेजवानी, शशि मेहता, जीत गोइन का समेत कई सदस्य एवं काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जज्बा संकल्प संस्था की ओर से निशुल्क महिला स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भागलपुर के मायागंज काली विसर्जन घाट के समीप किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने स्वास्थ्य शिविर में आए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की बात कही। भागलपुर BSNL के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। इसमें टेलीफोन बिल एवं मोबाइल बिल के पुराने बकायेदार शामिल होकर अपने बकाया राशि का सेटलमेंट करवा सकेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ताओं को BSNL की ओर से बकाया राशि में राहत दी जाएगी। सुल्तानगंज के रघु चकनहार में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा के चौथे दिन कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन संतों को उदित नारायण सिंह, बादल सिंह, कुलदीप यादव, पंकज सिंह और रंजीव सिंह के द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। चंडीगढ़ से आए राम कथा वाचक कुंदन जी महाराज ने प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव, सभी भाइयों के शिक्षा दीक्षा और राम विवाह की कथा विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाई। इस दौरान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन वृंदावन से आए कथावाचक बाल आनंद शास्त्री गुरु जी ने भक्त प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार एवं राजा बलि का पावन चरित्र श्रद्धालुओं को विस्तार पूर्वक बताया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालु भजन गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। वहीं भागवत कथा की शुरुआत पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। इस दौरान बाबा रामेश्वर सेवा समिति के द्वारा भारत माता और विंग कमांडर अभिनंदन की आकर्षक झांकी निकाली गई। कार्यक्रम में शामिल बड़ी संख्या में लोग भारत माता की जय और वीर शहीदों के सम्मान में गगन भेदी नारे लगाते दिखे। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह, दीपक सिंह, अरुण सिंह सहित सैकड़ों पुरुष एवं महिलाएं मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जिले भर में हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन, महिलाओं के अधिकार और उत्थान पर हुई चर्चा। तिलकामांझी स्थित 13 दुकानों पर चला नगर निगम का बुलडोजर, स्मार्ट सिटी फंड से हाईटेक बनेगा तिलकामांझी चौराहा। विशेष परीक्षा लेने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय में काटा बवाल, कर्मचारियों और अधिकारियों से हुई झड़प। भागलपुर में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव, व्यवसायियों में दिखा उत्साह। और पुलिस लाइन में महिला सिपाहियों को मिली सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, मिशन सशक्त कार्यक्रम के तहत SSP ने की शुरुआत। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मौजूदा टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।